जम्मू कश्मीर के फैसले का गरियाबंद में भी असर देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री की तारीफ करते हुए फैसले पर खुशी जाहिर की। इसके अलावा पार्टी नेताओं ने जिला मुख्यालय से निकले कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए और जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने तिरंगा चौक पर आतिशबाजी करते हुए तिरंगा फहराया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भी याद करते हुए एक देश एक संविधान के नारे को बुलंद किया। 70 साल में हिंदुस्तान में जो पहली बार खुशी आई है उसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये एक बहुत अच्छा फैसला है और सारी जनता इससे खुश है, इसलिए आज हम लोग इसको देखते हुए गरियाबंदी की खुशी मनाए। गरियाबंदी बहुत पूरे देश में खुशी का माहौल है। 70 साल से जो कश्मीर जूझ रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस कश्मीर के लिए आज अपनी बलिदान दे दिया। आज वह कश्मीर आजाद हो गया, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को इसका श्रेय जाता है। आज पूरे देश के लोग फक्र से महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक नागरिक संहिता लागू होगा और कश्मीर आजाद पहली बार हुआ है। 70 साल की आजादी के बाद पहली बार कश्मीर आज आजादी मिली है और आगे और भी अच्छे काम होंगे निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व। पिथौरागढ़ की भारतीय